तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं। जैसे आप एग्जाम देकर तो घर आ जाएंगे तो कुछ दिन बाद आपका कॉपी चेक होगा। अब बहुत से बच्चे की कॉपी मेरे पास भी आएंगे, हो सकता है आपका ही कॉपी मेरे पास आ जाए। हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आ जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट को फुल मार्क्स से पास करूं, आपका एक भी नंबर कट ना कर सकूं। तो इसके लिए आपको आंसर शीट में यानी कॉपी में सही तरीके से सही ढंग से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो चलिए आपको आंसर शीट दिखा दिखा के बताता हूं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, क्या गलती नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे मैं आपको अच्छे नंबर देकर पास कर सकूं, आपका एक भी नंबर कट ना करूं। नंबर वन, सबसे पहले आपको आंसर शीट में दोनों साइड मार्जिंग स्पेस छोड़ना है। अब बहुत से स्टूडेंट की कॉपी में एक साइड मार्जिंग पहले से ऑलरेडी रहता है, लेकिन आपको क्या करना भाई, आपको दोनों साइड गैप रखना है, खाली रखना है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं, दोनों साइड स्पेस रखने से मुझे ना काफी सुविधा होते हैं, कॉपी चेक करने वाले को सुविधा देंगे तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। टाइमिंग आप मुझे सुविधा देंगे तो आपका एक भी नंबर कट नहीं करूंगा और आपको अच्छे नंबर से पास कर दूंगा। नंबर टू, सबसे पहले क्वेश्चन में खंड ब है तो यहाँ पे आंसर शीट में ब्लैक पेन से खंड ब हेडिंग के साथ लिख देना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आपको सेशन ए लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न है तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आपको ब्लैक पेन से हेडिंग के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन के आंसर अच्छे से जानते रहेंगे भाई, तो उसी का आंसर देना है और उसको इस तरह से लिखना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 का जानते रहेंगे, प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, या 2 का, या 3 का, लाइक जिसका आप आंसर अच्छे से जानते हैं या जिसका आंसर आप देना चाहते हैं, तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर या प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन के आंसर देंगे तो उस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से टॉपिक के फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु पर के विद्युतीय विभव का आंसर लिखे हैं तो क्वेश्चन को ब्लैक पेन से इस तरह से हाईलाइट किए हैं, तो आपको भी इसी तरह से कॉपी में आंसर देना है। नंबर थ्री, आंसर में जो भी माइन कीवर्ड है, माइन पॉइंट है भाई, तो उसे पेंसिल से या ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए माइन पॉइंट को अंडरलाइन में रखे गए हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन के आंसर में मैक्सिमम 3 वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना आपको। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक अंडरलाइन लगाए हैं, आप मैक्सिमम 3 अंडरलाइन लगा सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं तो आपको लग रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत से माइन कीवर्ड है, तो आपको सभी में नहीं लगाना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड में लगाना है अंडरलाइन, मैक्सिमम 3 अंडरलाइन आप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। नंबर 4, एक क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह से स्केल से अंडरलाइन लगा देना है, आपको एग्जामिनर को बता देना है कि मेरा जो आंसर देने का प्रोसेस था भाई, वो यहाँ तक में कंप्लीट हो गया। नंबर 5, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉपी मेरे पास आए और मैं आपको अच्छे नंबर से पास करूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं और कमेंट में बताएं कि आपको कितना नंबर चाहिए। जो जो बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं उसी को अच्छे नंबर से पास करूंगा। तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको कितने नंबर चाहिए। नंबर 5 में है कि आंसर कंप्लीट होने के बाद 2-3 लाइन का गैप रखकर आपको अगला प्रश्न का उत्तर देना है और ऐसा सभी प्रश्न के साथ करना है।